शांति। आज 8 जनवरी 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख हैं 23 अप्रैल 1993। मुरली का सार हैं, निश्चय बुद्धि भव अमर भव, निश्चय बुद्धि भव अमर भव। आज बाप दादा सर्व अति स्नेही, आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। निश्चय के सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं। यह निश्चय चाहे इस पुरानी जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल के अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उन्होंने याद और स्नेह के बंधन में बंध कर बाप आए हैं। निश्चय की मुबारक। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं, वह भी सभी सामने हैं, और दूसरे तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंटें हो। फाउंडेशन भी सामने हैं और आदि ईंटें जिनके आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना, वह भी सामने है। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को शान श्रीमत पर उड़ते चलो, समझा? अच्छा, मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले। अच्छा, विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता, तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हॉल में हो चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं, और सदा अथक भव मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहली पॉइंट, अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। सभी संगम युगे श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में ही होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, अगर एक सेकेंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है? किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है? तो एक की पद्म गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो।
कमज़ोर तो नहीं है ना, सब पावरफुल हैं। कमज़ोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमज़ोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है, तो कमज़ोर कैसे होंगे? कमज़ोरी आ सकती है, कभी गलती से आ जाती है। जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। आप तो अलर्ट हो ना, अलबेले हो क्या? सभी अलर्ट हैं, सदा अलर्ट हैं। संगम युग में बाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना। जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती हैं, वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं, तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा? तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है, तो अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्वशक्तियां दे दी। जब सर्वशक्तियां साथ हैं तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। यूके को तो बाप दादा कहते ही है ओके, तो जो ओके यानी बिल्कुल ठीक होगा, वह जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टाल टालियां निकलती हैं वह भी शक्तिशाली हैं। विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है, तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो। कर्म करने के पहले फल तैयार है ही, ऐसे ही लगता है ना, या मेहनत लगती है? नाचते गाते फल खाते रहते हो। वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है ना। बाप दादा भी यूके अर्थात सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अपना यह टाइटल सदा याद रखना, ओके। यह कितना बढ़िया टाइटल है, सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले। यही सेवा करनी है ना, अच्छा है। सेवा का शौक भी अच्छा है, जो भी जहाँ से भी आए हो। लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो। सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो मैं, सिवाय खुशी के और है ही क्या? खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है, खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो तो खुराक है, तभी तो चल रहे हो ना। स्थान भी बढ़ रहे हैं। देखो, पहले तीन पैर पृथ्वी लेना बड़ी बात लगती थी, और अभी क्या लगता है? सहज लगता है ना। तो लंदन ने कमाल की है ना। अभी 50 एकड़ जमीन मिली है। हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। देखो, आप सबकी अंगुली नहीं होती तो कैसे होता? तो सभी यूके वाले लकी हैं और अंगुली देने में बहादुर हैं। दूसरी पॉइंट है, अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है,
बाप के साथ साथ चलते रहने की, वह भी बाप के साथ साथ हैं, अकेले नहीं, तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है, जॉब का फिक्र है, दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है, क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा, निश्चय है ना? पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है, या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं, क्योंकि कल्प कल्प के विजयी हैं और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो, इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी हैं, इतना निश्चय है। कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे, तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं, ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की, और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक। तीसरी पॉइंट है, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग न कर सके, सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं, ऐसा अनुभव करते हो? जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना, तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना, क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं, एक सेकेंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है, परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेंगे, मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा है, हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तब ही तो कहते हो। प्यार भी है और अधिकार भी है, जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना, कितना बड़ा अधिकार मिला है, इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता, प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। जो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है, प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है, लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, तो दाता भी बेहद का है, और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के? तीनों लोग अपने बना दिए हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन हमारा घर है, और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है। तीनों लोकों के अधिकारी बन गए तो क्या कहेंगे,
अधिकारी आत्माएं, कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हो? पाना था वह पा लिया, पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा, तो ये गीत गाते हो? या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपको कितनी गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती है? जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है, तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं। चौथी पॉइंट है, हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो? अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है? क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे? दिल तख्त बहुत बड़ा है, दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतयुग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना, तख्त पर इकट्ठे तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशी नहीं, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितने चाहे जो चाहे दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा है? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रकुटी है, तो भ्रकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो, डबल तख्त है ना। नशा है कि मैं आत्मा भ्रकुटी के अकाल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी हो, यह स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल होना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो, जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक पावरफुल कम, नॉलेज में ज़्यादा होशियार हो। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ, तो तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। ज्ञान में तीन का महत्व है। त्रिकालदर्शी भी बनते हैं, तीनों काल को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो। कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एकदर्शी बनकर कर्म करते हो? क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? तो कल क्या होने वाला है वह जानते हो? कहो, हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, ये तो जानते हो ना, तो त्रिकालदर्शी हुए ना। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। यह निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो, तो सब अच्छा है ना, कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है। जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प बोल कर्म अच्छा होगा ना। तो यह सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला,
तो सदा कल्याण ही कल्याण है। बाप को कहते ही है विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए यह निश्चय रखो कि हर समय हर कार्य हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग, तो अकल्याण नहीं हो सकता। तो क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला वह बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हो। सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना। कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आज का वरदान है अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। विश्लेषण ही बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो यह तख्त हुआ या चिंता? भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। बेफिक्र बादशाह हो गए तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। इसी फकूर में रहो तो सब फिक्राते यानी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।